हेलो गाइस, कैसे आप सब? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे और बहुत खुश होंगे। गाइस, आज इस वीडियो में मैं आपको बनाना सिखाने लगी हूँ एग फ्राइड राइस, चाइनीज़ एग फ्राइड राइस, बहुत ही मज़ेदार से। तो सबसे फर्स्ट स्टेप आपने क्या करना है, आपने एक जो फ्राई पैन है उसके अंदर ऑयल ऐड करने के बाद एग्स में सॉल्ट और ब्लैक क्रश्ड ब्लैक पेपर है जो, उसको अच्छे से ऐड करके इन अंडों को फेंट लेना है, ठीक है। उसके बाद इन अंडों को आपने स्क्रैम्बल कर लेना है, पूरी तरह से नहीं बनाने, जैसे मैं स्क्रैम्बल एग कर रही हूँ आप लोगों ने भी इन अंडों को स्क्रैम्बल कर लेना है। कुछ लोग होते हैं वो डायरेक्ट जो एग्स हैं वो राइस में ऐड कर देते हैं, उससे टेस्ट और जो फ्लेवर है वो उतना अच्छा नहीं आता। अक्सर लोगों को जो अंडे की स्मेल है वो पसंद नहीं होती, इस वजह से आप ऐसे स्क्रैम्बल्ड एग्स कर लें। जैसे आप देख रहे हैं मैंने सब एग्स हैं उनको स्क्रैम्बल कर लिया, ठीक है। यहाँ पर अब मैंने कढ़ाई में कुकिंग ऑयल लिया, उसके बाद मैंने इसमें 2 टेबलस्पून जिंजर और गार्लिक का पेस्ट ऐड किया। देन यहाँ पर मैंने जो बंद गोभी होती, पत्ता गोभी जिसे बोलते हैं, वो कट की हुई थी वो ऐड कर ली। बिल्कुल मैं इसको 1 या आधे मिनट के लिए थोड़ा सा ऑयल में और अदरक लहसुन में फ्राई करूँगी। देन यहाँ पर मैंने इस कैप्सिकम और कैरेट जो थी उसको कट कर लिया हुआ था, आप किसी भी शेप में काट सकते हैं जैसी आपको अच्छी लगे। देन यहाँ पर जाएगा प्लेन वाइट सॉल्ट 1 टीस्पून, ओके, क्योंकि मैंने राइस बॉईल करते हुए उनमें सॉल्ट ऐड किया था तो आपने बैलेंस आउट कर लेना है। देन यहाँ पर सेकंड इंग्रेडिएंट ऐड हो रहा है 2 टीस्पून चाइनीज सॉल्ट, ठीक है जी। उसके बाद यहाँ पर मैं ऐड करूँगी 2 टीस्पून ही ब्लैक पेपर पाउडर, ठीक है। आप इसमें ज़्यादा ऐड मत करें क्योंकि फिर उसका फ्लेवर आपको अच्छा नहीं आएगा। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर ऑलमोस्ट 5 टेबलस्पून मैं ऐड कर रही हूँ सोया सॉस के। देन 3 to 4 टेबलस्पून ऐड किए हैं मैंने चिली सॉस के, अगर आपको थोड़ा ज़्यादा स्पाइसी पसंद है तो आप थोड़ा सा और डाल सकते हैं। देन आप इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, 3 से 4 मिनट इन वेजिटेबल्स को पकाएंगे, और जो मैंने पहले से जो राइस है उनको बॉईल करके रख लिया था अब मैं वो इनको ऐड करूँगी अंदर इन वेजिटेबल्स में, और इसको अच्छे तरीके से मैं मिक्स करूँगी, ठीक है। अच्छे तरीके से आप लोगों ने मिक्स करना है, 1 से 2 मिनट का टाइम देना है इसको, और एंड पे, बिल्कुल एंड पे जब सब राइस तैयार हैं, आपने जो एग स्क्रैम्बल किए थे यहाँ पर, ठीक है, उसको इसमें आप लोग ऐड कर देंगे जैसे आप देख रहे हैं वीडियो में मैं आपको बता रही हूँ, और अच्छा सा मिक्स आप इस कर दें इसको, ठीक है। और आपके चाइनीज़ एग फ्राइड राइस बनके बिल्कुल रेडी हैं, बहुत कम टाइम लगता है इनको बनाने में। आपने रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है और आपने मुझे बताना है कि आपको कैसे लगे ये। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, एक बहुत अच्छा सा कमेंट कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आपको सबसे पहले मिल जाए। अल्लाह हाफिज़।